ये है अपना कॉलेज। हाय गुड मॉर्निंग सब कोई को, और अभी हो रहा है 8 बज रहा है और मेरे साथ है हमारे विवेक जी और जेडी ब्रो, और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए लिफ्ट से। देखिए ऐसा ही अपना कॉलेज, अपना ब्रेकफास्ट, आज ब्रेकफास्ट में हलवा है, और यही है अपना सुंदर सा मेस जो कि देखने में काफी खूबसूरत है। बारी अब हलवा टेस्ट करके रिव्यू देने की। कैसा लग रहा है सर आपको हलवा? ठीक ही है, ठीक ही है, कोई बात नहीं है, काम है। बेटर बोल सकते हैं, बेस्ट नहीं बोल सकते। कर लेगा नहीं हमने कहा, और सीन कुछ ऐसा निकल कि देख लो हमू पूरा जंगली, मेरे साथ दीते है सला इधर पहले ही से जंगली है। वही जा रहे हैं अभी हम लोग बाल कटवा के आने, और आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे का लोकेशन कितना गर्दा आ रहा है, क्योंकि हम लोग हैं अभी अपने कॉलेज के हॉस्टल में। हम लोग हॉस्टल में शिफ्ट हो गए हैं करीब 1 वीक पहले, और ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एग्जाम प्रेशर है, हम लोग एग्जाम प्रेशर में कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो पा रहा था, रूम में ही बैठा रहा था, इसलिए हम लोग देखे जंगली जैसा भी हो गए हैं। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा बाल कटवा के आने, क्योंकि कल हम लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम, तो जंगली सब बन गए तो भाई कॉलेज क्लास करने नहीं ही जाएंगे। ना हॉस्टल कैंपस और ये है कॉलेज। डायरेक्टर मिला हम लोग सोचे हैं लिफ्ट ले, लेकिन जा रहा है अलग डायरेक्शन में। क्या हिमांशु पुस्तक केंद्र, अपने भैया का दुकान, जो भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं हम लोग जाके यहाँ पर सामान लीजिए, बुक कॉपी पेन सब कुछ मिलता है यहाँ पे, मतलब हम लोग यूज का सारा सामान मिलता है, एकदम चीप रेट में मिलेगा, और मेरा नाम रख दीजिएगा आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे। तो भाई आ गए हम लोग डाला पे, और एक चीज़ हम लोग को समाज में का स्ट्रगल, उन लोग को आने में भाई कितना, मतलब कि 1.5-2 किलोमीटर है ढाला कॉलेज से, और हम लोग इतने आलसी हैं कि लगभग 1 सप्ताह पे भी सिर्फ आया ढाला पे हम लोग आ रहे हैं बाहर, और वो भी बिना काम के हम लोग नहीं आए, बाल कटवाना है बस इसलिए हम लोग आए, नहीं तो फिर कब आते हम लोग को भी नहीं पता था। मुतिहारी जाने को कहेंगे लोग, और कब आएंगे लोग तीसरा सैलून में हम लोग आए और भीड़ नहीं मिला हो, ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता है। 2 सैलून में गए, दोनों में 5-5 गो लाइन है, तीसरा में जा रहे हैं अब देखने। नंबर लगा तब भी एक भाई ले लहन गुलाब जामुन खिलावे हम लगे, बस रहे हमारे सौरभ सर, और इसके बाद मेरा ही नंबर है, इधर विवेक जी हैं, अपने हो गया सीन ख़त्म, और एकदम दोस्त छोटे हो गए ये भी। भाई बाल कट गया है देख लीजिए आप लोग, और आज इस बार हम बाल कटवा के 1 साल ही छोटी हूँ, क्योंकि 2 साल छोटी हूँ हमारे अमन सर, और देखिए हमारे विवेक जी का ब्यूटी प्रोडक्ट यहाँ विवेक सर कुछ सामान वामान लिए लगाने के लिए, मतलब शैम्पू है और सर और कुछ नहीं है क्या? क्योंकि भाई हम लोग हैं बहुत आलसी आदमी, और सीन कुछ ऐसा है कि भाई हम लोग ऐसे ही नहीं आई है कि हम लोग कोई सीन नहीं है, हम लोग से कोई काम नहीं होता, कपड़ा से हो गया होगा हम लोग को 15-20 दिन, 3-4 दिन से भाई एक टी शर्ट में हम लोग घूम रहे हैं, तो इसीलिए आज कपड़ा भी धोना है, खुद को भी धोना है। तो अभी आ गए हैं बाल कटवा के लिफ्ट से, और यही अपने हॉस्टल का कुछ ऐसा लुक है, और जो मेरा रूम नंबर है BH3 में है, इधर ही कहाँ है रूम नंबर एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, बाकी बहुत लोग जानता है कि मेरा रूम नंबर कौन सा है। मेरे नीतीश सर हैं, कितना पढ़ रहे हैं बैठ के, एकदम सुबह 6 बजे से लगे हुए एकदम पढ़ाई करने में, पढ़ रहे हैं नीतीश सर स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग बना रहे हैं। जो लोग भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, मेरे जूनियर या फिर सुपर जूनियर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो लोग भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आप लोग नीतीश सर से कोई भी प्रॉब्लम होता है अपने ब्रांड पेपर से रिलेटेड, या फिर मैथमेटिक्स में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप लोग नीतीश सर से कॉन्टेक्ट करिए, BH3 में ये रहते हैं। अभी देख लो हम ना वहाँ क्या बनी, हमारे गुड्डू भाई का कारण की ब्लॉग नहीं बन रहा है, तो इसलिए भाई ब्लॉग बनाना पड़ा है। अभी हम लोग हैं अपने जितेश भाई के रूम में, और यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधे खाने के लिए, और देखिए जितेश भाई के रूम से कितना हेवी व्यू दिखता है, पूरा कॉलेज दिखता है इनके रूम से। विवेक बाबू रेडी हो रहे हैं एकदम, सब कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट एकदम लगा के, सो वेटिंग फॉर लिफ्ट, अपना आ रहा है लिफ्ट इधर ये वाला, और इसी से हम लोग जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग हैं लिफ्ट के अंदर, और आज मेरा और विवेक का और अपने गुड्डू भाई का, देखिए हम लोग सेम टी शर्ट 3 लोग पहने हुए हैं, और ये देखिए अपने गोलू भाई अपने सिर पर ही पहन रहे हैं, बहुत ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इधर देखिए सर भाई क्यों लग रहे हैं? 8 बजे उठा, ओहो हो एकदम टाइम ऑफ सुमन बैठा हुआ है मेरा भाई खाना खाने के लिए, डॉन गरीब के ये बार खाना हम नहीं है, इतना बार बोला है तिलौरी लाने के लिए अभी तक नहीं आया, लेकिन लग रहा है कि आ गया। अभी हम लोग आ गए खाना वाना खा के, और देखिए इस लड़का का कारण अभी लिफ्ट बंद हो गया है,
हम लोग इतना खाना खा के इतना हेवी लोड लेके जा रहे भाई पैदल सीढ़ी से। हमने कहा फिर से जाता नहीं हम आज जितेश भाई ढाला पर, हमने की कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया जितेश भाई को, वही से हमने जाता नहीं। क्या काम बहुत जितेश भैया जल्दी हम पार्टी। ये है मेरे कॉलेज का मोटरसाइकिल स्टैंड, अभी गए हैं जितेश भाई और सर, उनको एक सर से काम था तो उन्हीं से मिलने, उधर से वो आ रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, इसलिए अभी मैं यहाँ पे उनका वेट कर रहा हूँ। डायरेक्ट ढाला पर हमने जा गए जितेश भाई के लिए, अगर लगभग टोटल दो सामान, एगो सामान ले ले पान और एक और सामान वो लेता रहन पानी, जो कि जितेश भाई के बाइक पर, तो जितेश भाई के इंतजार करा था नहीं है बाइक पर ठंडा में। तो भाई अपन जितेश भाई बहन जो कि कॉलेज में बाइक रख रहे बहन, कार रख रहे बहन, सब कुछ रख रहे बहन, देख रहे इनका हम पीछे में बोला था इनका मुँह पर नहीं कि खुश करेगा। देखिए अभी हम लोग गए थे मार्केट और मार्केट से जा रहे हैं फिर अपने कॉलेज, ये रहा BH2 और BH1 और बाइक चला रहे हैं हमारे नमन कौशिक जी। क्या करिएगा भाई, भाई जितेश भाई का चलाना पड़ रहा है भाई, ड्राइवर रखे हैं हमको, पैसा देते हैं बाइक चलाने का। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, इस सर का बाइक हम लिए हुए हैं। जितेश भाई देख लो लोगों ने हम लगे छोड़ दे बाहर और हम अकेले आए थे, अभी लिफ्ट में हवा का एकदम यहाँ से हवा आता है, हम लोग को दिख रहा होगा जा रहे हैं रूम में, हालत खराब हो गया एकदम धूप में और ये है अपना लिफ्ट खुल गया। तो भाई अभी हो गया शाम और वहाँ से आके मैं आराम से मस्त 2-3 घंटा सोया हूँ, क्यों इसलिए सोया हूँ क्योंकि भाई हम लोग रात में जगने वाले इंसान हैं, हम लोग रात में जगते हैं दिन में सोते हैं या फिर दिन में जो भी करना है, लेकिन रात में हम लोग लेट तक जगते हैं। और अभी हो गया भाई अपने पढ़ाई का टाइम, तो मैं अपने टेबल पे बैठ गया हूँ सारा कुछ लेके, और ये देखिए मेरा दो सुंदर सुंदर रिंग, और यही है भाई मेरा छोटा सा रूम, मेरा सिंगल रूम है बाकी बेस्ट है एकदम। और अब सीधे मैं यहाँ से निकलूँगा, अभी 6:30 हो रहा है, सीधे 9 बजे निकलूँगा खाना खाने के लिए एकदम डायरेक्ट, उसके बीच में नो डिस्टर्बेंस, इसलिए बाय टेक केयर। अभी कट गया बा लाइट और हमने के बाहर जाए का प्लान ना रखा, लेकिन हमने के बाहर जाते नहीं, बस लाइट कट गया बहुत से। और कल अपने दोस्त इसका बर्थडे है, आप लोग आज ही हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए एकदम। और भैया ये अपने हॉस्टल का पूरा स्ट्रक्चर, हम लोग का हॉस्टल पूरा ऐसे ही बना हुआ है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिविल वाले बंदे आपको समझाएंगे कि हम लोग सामान, और ये है अपना कॉलेज यहाँ पे और उधर सामने है दुकान। तो भाई आ गए हम लोग अभी कॉलेज के अंदर सामान वामान लेके, और अपने कॉलेज, अपना कॉलेज जो है इतना गर्दा दिख रहा है, दिखाते हैं, ये है अपना कॉलेज। ये हैं मेरे भैया जो कि काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमको, अभी मुँह छिपा रहे कोई बात नहीं है, आईफोन वाले भैया, इन्हीं के पास देखिए आईफोन। अभी अपना लिफ्ट भी ऑन है रात में भी, जीपी गोपाल मिश्र भाई बेस्ट कॉलेज है बिहार का, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अंदर का लिफ्ट। और एक और चीज़ भाई बता दें, हमको नहीं लगता है कि बिहार के किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में ऐसा फैसिलिटी है, मतलब एकदम बेस्ट कॉलेज है भाई बिहार का, नंबर वन है जीपी गोपाल, फैसिलिटी से लेके पढ़ाई से लेके सब कुछ के मामले में भाई कोई नहीं है टक्कर में इसके। पढ़ाई कैसे होता है अभी मेरे, ये नीतीश सर का रूम है, इनका लेक्चर चल रहा है अभी, भी ईयरफोन लगा हुआ है, कॉपी कलम खुला है, लेकिन कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। हरियाणा का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी बर्थडे भाई। मिला ये गिफ्ट मिंत्रा से, एकदम गर्दा गिफ्ट मिला है भाई को। टाइम हो गया है 2:25 और मैं हूँ, मेरे साथ है मेरे नीतीश भाई, आप लोग इनको पहचानते होंगे, और ब्लॉग करते हैं भाई यहीं पे खत्म, गुड नाइट सब कोई को, गुड नाइट जाते हैं, आधा घंटा आप पढ़ाएंगे घंटा। और देखिए भाई यही है अपना लाइव भाई, बजने वाला है 3 और हम लोग अभी तक जगे हुए हैं,